कालू कागा पार्ट 4। कौवा की आहट पाकर जैसे ही कालू सांप की नींद खुलती है वो तुरंत ही बिल से बाहर आ जाता है और यहां वहां देखने लगता है। अचानक उसकी नजर डाल पे बैठे बड़े शरीर वाले कागा कौवा पर पड़ती है और उसी समय कागा कौवा की नजर भी कालू जैसे भयंकर सांप पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को लालच भरी निगाहों से देखते रहते हैं। कालू सांप सोचता है, यह कौवा तो बड़ा शिकार है, इसे निगल कर तो मुझे काफी दिनों तक कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत कागा कौवा कालू सांप को देखकर सोचता है, सांप तो बहुत लंबा और मोटा है और करिया धरा है, मैं भी थोड़े ना इसमें कम हूँ, एकाध चोंच मारकर इसे मौत के घाट उतार सकता हूँ। यदि इतने बड़े सांप का शिकार कर लिया तो कम से कम एक हफ्ते का गुजारा तो आराम से चल जाएगा। यह सोचते हुए कागा और कालू दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए उचित मौके का इंतजार करने लग जाते हैं। इधर काफी दिन बीत जाने के बाद भी कागा के वापस न आने पर ग्रीनी तोता अपने मित्र की कुशलता के लिए चिंतित हो जाता है और पुनः पक्षियों के मुखिया गिद्धो गिद्ध के पास जा पहुंचता है और कहता है, मुखिया जी काफी दिन गुजर गए पर कागा की अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मेरा मन तो बहुत ही चिंतित हो रहा है। थोड़ा सोचकर मुखिया गिद्धू बोला, बात तो चिंता की है, कुछ परिपक्व साथियों को अपने साथ लेकर तुम कागा को ढूंढने का प्रयास करो। बिना समय गवाए ग्रीनी तोता और कुछ पक्षी साथी कागा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर पेट की भूख बढ़ते देख कालू सांप अच्छा मौका देखकर दबे पांव पेड़ के मोटे तने के सहारे ऊपर लगी टहनी के ऊपर बैठ कागा कौवा की ओर सरकने लगता है। कागा भी कालू सांप की आहट पाकर खतरा भांप जाता है और ताव में आकर पहले ही उड़कर अपनी नुकीली चोंच से कालू सांप के ऊपर हमला बोल देता है और लगातार कालू सांप के लंबे काले रस्सीनुमा शरीर पर चोंच से हमला करता रहता है। चोंच के लगातार वार से कालू सांप लहूलुहान हो जाता है और पेड़ के तने से फिसल कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कालू को लहूलुहान देखकर कागा कौवा का मनोबल और बढ़ जाता है। फिर कागा पहले से अधिक रफ्तार से कालू पर वार करने लगता है। कौवे को लगातार वार करने में व्यस्त देखकर मौका पाकर कालू सांप कागा के पिछवाड़े में डंस लेता है। जहर के असर के कारण कागा की वार करने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। आखिरकार कुछ देर बाद कागा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कागा को जमीन पर बेहोश पड़ा देख कालू सांप फटाफट कौवे को अपने शरीर में अच्छी तरह से जकड़ लेता है। तत्पश्चात कालू सांप कागा को निगलना शुरू करने ही वाला होता है कि अचानक ग्रीनी तोता और उसके साथी वहां धमकते हैं। ग्रीनी के वहां आ जाने से पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। पक्षियों का समूह कालू को चारों ओर से घेर कर एक एक कर अपनी चोंच से लगातार कालू पर वार करने लगते हैं और कालू सांप की आंखें नोच लेते हैं, जिस कारण सांप का शरीर ढीला पड़ जाता है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कालू की मौत के बाद ग्रीनी और उसके साथी कागा को होश में लाने की कोशिश करते हैं पर दुर्भाग्यवश कागा कौवा की भी मृत्यु हो चुकी होती है। अपने बचपन के मित्र कागा को मरा देख ग्रीनी तोता बहुत दुखी होता है और कागा के साथ बिताए बचपन को याद कर ग्रीनी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तब ग्रीनी और उसके साथी सोचते हैं कि अगर कागा झुंड छोड़ने के बजाय खुद झुंड के साथ ही रहता तो शायद कागा भी जिंदा होता। कागा की दर्दनाक मौत होने पर सभी पक्षी कागा और कालू के मृत शरीर को दुखी मन से उठाकर पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। शिक्षा। हमने देखा कि बचपन से ही अपने पक्षियों के झुंड में रहकर कागा कौवा का जीवन सही तरीके से चल रहा था, परंतु व्यस्क होकर अपेक्षाकृत बड़ा शरीर पाकर कागा घमंड में आकर किस प्रकार कालू जैसे भयंकर सांप के हाथों मारा जाता है। पर इसके विपरीत ग्रीनी तोता अपने समूह के साथ होने के कारण उसी भयंकर विषैले सांप को मौत के घाट उतार देता है। इसलिए दोस्तों, चाहे दुख हो या सुख, हमेशा अपने परिवार, समूह या झुंड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि समूह में रहकर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और ना ही ईश्वर द्वारा दिए गए विशेष गुणों को हमें कभी घमंड में लेना चाहिए, बल्कि उस गुण का उपयोग लोकहित में करना चाहिए जिससे हमें यश प्राप्त हो सकता है।